हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ किरण मठारू वर्किंग एज एसिस्टेंट मिस्ट्रेस एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कासिमपुर शीनाफ डिस्ट्रिक्ट मानसा। टुडे वी विल स्टार्ट योर अक्टूबर नवंबर सिलेबस विद लेसन नंबर 7 प्लेइंग कबड्डी। प्री रीडिंग, डिक्शनरी रेफरेंस, लर्निंग न्यू वर्ड्स। एक्टिविटी 1, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। यू शुड सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड पुट दैम इन योर वर्ड्स नोटबुक। हाँ जी, सेम वही एक्टिविटी जिस तरह आप पहला चैप्टर्स के कितिया सी। तुसी एक नोटबुक अपनी नाल लै लो, पेन लै लो, ठीक है। जेडे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उन्होंने मीनिंग्स तुसी नाल नाल नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। तो उन्हें चैप्टर ईजीली समझ आ जाएगा तो वोकैबलरी भी थोड़ी इनक्रीज़ हो जाएगी वो। नंबर 1, मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज इन द लैसन। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन। नंबर 3, स्पैलिंग्स। हाँ जी, हूँ जोड़े नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं इन दू मीनिंग क्लीयर होनी चाहिए आ, ठीक है, कि लैसन के किस सेंस यूज़ होया। एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब, ठीक है। सैकेंड हैगी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब, प्रोनाउंसिएशन मीनस कि तुम किसी भी वर्ड को सही तरीके किस तरह बोलना। नैक्सट हैगा स्पैलिंग, कोई भी वर्ड जोड़ा लिखे हुए हैं इन्हां दे तुहानू स्पैलिंग्स भी आने चाहिए आ, ठीक है। सो लैट्स गैट स्टार्टेड। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड इज़ रिपीट। रिपीट, दोहराना। फॉर्म्ड, बनाई। ब्रेथ, सा। टच्ड, छूया। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट, ठीक है। ये वर्ड्स दे मीनिंग्स लिख लो। हाँ जी, रीडिंग, लेट अस रीड द पैसेज। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइव्स। खेडां साडी जिंदगी दे विच बहुत महत्वपूर्ण होंदियां हन। इफ वी प्ले स्पोर्ट्स वी कीप यंग एंड हैल्दी। जेकर असी गेम्स खेडदे हाँ, ठीक है, तो फिर असी अपने आप नूं जवान ते सेहतमंद रख सकते हैं। इन आर विलेजेस मैनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर प्लेड, ठीक है। पिंडां दे विच बहुत सारियां खेडां खेडियां जांदियां हन। हाँ जी, हुण इत्थे दो वर्ड आए हुए, एक स्पोर्ट्स ते एक गेम्स। वैसे तो दोनों का मीनिंग एको ही हुंदा, खेडा है ना, बट जिहड़ियां गेम्स हुंदियां रूल्स तो उहदे विच भी हुंदे जो आप कोई गेम खेडते हैं, ठीक, प्लेजरली जो खेडते हैं, ठीक है, उत्थे आप गेम्स वर्ड यूज़ कर लैंदे हां। तो जो आप कोई इस किसी सैट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग खेडते हैं, ठीक है, कॉम्पीटिशन से खेडते हैं, तो उदो आप स्पोर्ट्स वर्ड यूज़ कर लैंदे हां। वन गेम इज़ वेरी पॉपुलर विच इज़ कबड्डी। हाँ जी, इन चो एक गेम बहुत प्रसिद्ध हैगी है जिहड़ी कि कबड्डी। हुण कबड्डी का तो तुहानू सारयां नू पता ही है ना, पिंडां दी गेम हैगी है। कबड्डी इज़ अ टीम गेम, तो कबड्डी एक टीम गेम हैगी, ठीक है, टीम के खेडी जाती है। इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग गेम, तो यह बहुत ज़्यादा मनोरंजन करने वाली खेड है। प्लेयर्स ऑफ कबड्डी नीड टू बी स्ट्रोंग एंड क्विक ऑन देयर फीट। तो जिन्हें भी कबड्डी खेडनी होंदी है ये प्लेयर्स होंदे आ खिडारी, वह बहुत ज़्यादा चुस्त होने चाहिए आ, तकड़े होने चाहिए आ, ठीक है। दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर ब्रैथ एंड होल्ड इट फॉर अ लोंग टाइम। तो उन्होंने अपने सह न कुछ समय तक रोकण की प्रैक्टिस होनी चाहिए आ, उन्हों का अपने सह के उपर कंट्रोल होना चाहिए। अलाइन टू डिवाइड द टू टीम्स इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड। तो दोनों टीम्स के विचकार एक ग्राउंड के जड़ी लाइन खिंच दी जाती है, जी दोनों वंड दें। ईच टीम हैज़ 7 प्लेयर्स, तो हरेक टीम के 7 प्लेयर्स होंगे, ठीक है। द टू टीम स्टैंड ओपोजिट टू ईच अदर विद द लाइन बिटवीन दैम। तो दोनों टीम्स एक दूसरे के ओपोजिट खड़े हो जाते हैं जिथे लाइन बनी होंगी। अ मैंबर ऑफ वन टीम क्रॉसिज द लाइन एंड गोज़ इन टू द ओपोजिट कैम्प सेइंग कबड्डी कबड्डी वाइल ऑलसो होल्डिंग द ब्रैथ। तो एक मैंबर टीम के जाता लाइन क्रॉस करके दूसरे साइड पर, ठीक है, तो वह कबड्डी कबड्डी बोलता है, तो नाल ही उन्हें अपना सह रोकया हों। इफ ही और शी इज़ एबल टू टच वन और टू परसनस वाइल सेइंग द वर्ड कबड्डी एंड होल्डिंग ब्रैथ एंड रनस बैक टू देयर साइड द परसन हू इज़ टच इज़ डिकलेयर्ड आउट। हाँ जी, जेकर वह लड़का या लड़की जोड़े भी वो टीम के प्लेयर्स है, जे वह उधर जाके दूसरी साइड पर एक या दो परसन कबड्डी कबड्डी बोलते अपना सह रोकते रोकते ही दूजी साइड पर जाके टच कर देंगे। The person who is touched, तो जिहड़े परसन नू भी वह जिहड़े व्यक्ति नू छू दिंदे आ उहनू आउट मान लिया जांदा। Then another team member crosses the line
फिर दूसरा टीम मेंबर भी लाइन क्रॉस करके आंदा। However, if she or he is caught on the opposite side and is not able to get back to the team while saying kabaddi and holding breath, he or she is declared out. ते जेकर ओह वापस आंदे आंदे अपना साह नहीं रोक सकता, ठीक है, अपनी टीम वाल आंदे आंदे कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते, तो फिर उन्हें आउट मान लिया जाता है। When all the members of a team are out, the other team wins the game. ते जो एक टीम के सारे मैंबरस आउट हो जाते हैं फिर दूसरी टीम जीत जाती है, ठीक है। हाँ जी, आ कबड्डी का सीन है, ठीक है। स्कूल के भी अपने कबड्डी टीम्स बनिया हुई हैं, तो सारे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, है ना। कबड्डी इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर पंजाब। कबड्डी सारे पंजाब दे विच बहुत प्रसिद्ध है। स्लोली इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर इंटरनेशनली ऑलसो। तो इस तरह हौली हौली हुण इह अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी प्रसिद्ध हो गई है। द कबड्डी वर्ल्ड कप इज़ एन इनडोर इंटरनेशनल कबड्डी कॉम्पीटिशन। तो कबड्डी वर्ल्ड कप एक इंटरनेशनल कबड्डी कॉम्पीटिशन है जोड़ा कि इनडोर खेडिया जाता है, ठीक है, अंदर खेडिया जाता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कबड्डी फैडरेशन, जोड़ा कि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फैडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। बोथ मैनज एंड वूमेन्स नैशनल टीम पार्टीसिपेट इन दिस कॉम्पीटिशन। तो दोनों औरतों तो मर्द दोनों दड़िया राष्ट्रीय टीम होंगे वो इस कॉम्पीटिशन के मुकाबले के भाग लेंदियाँ। द कॉम्पीटिशन स्टार्टड इन 2004 वर्ल्ड कप। तो यह जोड़ा कबड्डी वर्ल्ड कप से कॉम्पीटिशन से 2004 के स्टार्ट होया। इट हैज़ कॉन्टीन्यूड सिंस दैन। तो यह उदों तो ही जारी है। इंडिया हैज़ डन वेरी वैल इन दीज टूर्नामेंट्स। तो इंडिया ने इन टूर्नामेंट्स के बहुत ज़्यादा वधिया प्रदर्शन किया है। मोस्ट टूर्नामेंट्स हैव बीन वन बाय इंडिया। तो इन्हों ज़्यादातर जो टूर्नामेंट्स है वह भारत के द्वारा ही जीते गए हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर रीडिंग। तो हुण तुसीं एक बार खुद इन चैप्टर रीड करना, डिफिकल्ट वर्ड जिहड़े उहदे स्पैलिंग्स याद कर लो, उहदे मीनिंग्स याद कर लो, ठीक है, एग्जैक्टली। एंड इन द नैक्सट वीडियो लैसन वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। टिल दैन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।